आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइनेंस की एपीआई की को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें से आप कैसे अपने किसी थर्ड पार्टी को आप अलाउ कर सकते हैं कि आपकी वो बाइनेंस पे ट्रेडिंग करे और आपका जो बाइनेंस का फंड है वो 100% सिक्योर रहे। उसके लिए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और एपीआई की कैसे क्रिएट करनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने बाइनेंस का अकाउंट लॉग इन कर लेना है, उसके बाद आप यहाँ पर चले जाएंगे। यहाँ पर आपको शो रहा होगा एपीआई मैनेजमेंट। एपीआई मैनेजमेंट में जाने के बाद मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे एपीआई आप क्रिएट करते हैं और उसमें से किस किस चीज़ों को आप इनेबल करेंगे जिसकी वजह से आपका अकाउंट भी सिक्योर रहेगा और आपको कोई डर भी नहीं होगा। ये मैं ऑलरेडी एक एपीआई क्रिएट की हुई है, मैं आपको नई भी क्रिएट करके बता देता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है एपी क्रिएट एपीआई। अब क्रिएट एपीआई पे आप जाएंगे, अब यहाँ पे आप कोई भी नाम डाल सकते हैं। उससे पहले अब हमने ये देखना है कि यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट एन एपीआई इफ केवाईसी इज नॉट कम्प्लीट। आपने सबसे पहले केवाईसी को लाजमी कम्प्लीट कर लेना है एपीआई को क्रिएट करने से पहले। बकाया ये आप पढ़ लीजिएगा कि थर्ड पार्टी इसमें थोड़ा सा वो होता है कि थर्ड पार्टी आपके फंड को यूज़ कर सकती है, विड्रॉ नहीं कर सकती, यूज़ कर सकती है ट्रेडिंग के अंदर। वो आपके फंड को इस्तेमाल कर सकती है और विड्रॉ नहीं कर सकती। सबसे पहले आप क्रिएट एपीआई में चले जाते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं क्रिप्टो बासित लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी नाम लिख लेना है जो नेक्स्ट आप उसको देने वाले। उसके बाद आप यहाँ से इसको स्लाइड करें। उसके बाद आपके नंबर और मेल पे एक कोड जाएगा जो आपने यहाँ पे वेरीफाई करना है, उसके बाद जाके ये एपीआई क्रिएट होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मुझे नंबर पे रिसीव हो चुका है। यहाँ पे मेल और नंबर पे वो कोड डालने के बाद मेरा ये एपीआई क्रिएट हो गया। अब बेसिकली यहाँ पे एपीआई के अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये बेसिकली एपीआई की है जो आपने नेक्स्ट किसी भी जो आप समझते हैं क्रिप्टो का एक्सपर्ट है जिसको आप अलाउ करना चाह रहे हैं कि वो हमारे अकाउंट से आके ट्रेडिंग करें, उसको आप यहाँ से ये कॉपी करके आप भेज सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल एडिट पे चले जाते हैं। एडिट पे जाने के बाद आप यहाँ से उसको परमिशंस अलाउ कर सकते हैं कि कौन कौन सी जो सर्विसेज हैं वो आपको उसको देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप उसको खाली रीडिंग करना चाह रहे हैं, उसको इनेबल सपोर्ट एंड मार्जिन ट्रेड भी करना चाह रहे हैं, इसको भी इनेबल कर लें। अब फॉर एग्जांपल इसको अगर आप नहीं करते तो वो आपके अकाउंट में से ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। उसके अलावा जो जो आप समझते हैं कि ये चीज़ें मुझे उसको देनी चाहिए, ठीक है, इनेबल मार्जिन लोन रीपे एंड ट्रांसफ़र, ठीक है, अब ये भी आप अनेबल करना चाहते हैं तो कर लें। आप ये देख सकते हैं कि कितना वो ट्रस्टेड बंदा है, उस हिसाब से आप उसको ये रीडिंग्स इनेबल कर सकते हैं। मोस्टली लोग इनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेड ही करते हैं, इसके अलावा उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर वो आपको कहता है कि आप ये चीज़ अलाउ करें तो उससे आप देखें कि आपका सिक्योरिटी खर्चा खर्चा कितना है, उस हिसाब से आप उसको मज़ीद वो करके आप इसको सेव कर सकते हैं। इसलिए ये था सिंपल सा तरीका एपीआई क्रिएट करने का तरीका, जिससे आप एपीआई क्रिएट करके सिंपली एक किसी बंदे को बेच सकते हैं। इसको आप सिंपली सेव कर लें। अब जैसे ही सेव करेंगे आपको एक कोड आएगा नंबर पे, उसको आप सेव करेंगे और ये आपकी क्रिएट हो जाएगी पिन। उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल जैसे ये एक पिन क्रिएट हुई है, आप चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा है जिसको आपने ये पिन दे दिया वो इसका मिस यूज़ कर रहा है, तो आप सिंपल यहां से इस पिन को जाके डिलीट कर सकते हैं और उसके बाद ये जो अकाउंट है ये उसके लिंक से ये कैंसिल हो जाएगा। उसमें आपका ना तो कोई नुकसान है, आप एक टाइम के अंदर 30 एपीआई कीज क्रिएट कर सकते हैं जो आप डिफरेंट लोगों को भी दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि एक एपीआई क्रिएट करने के बाद मुख्तलिफ लोगों को मत दीजिएगा, क्योंकि उसमें ये नहीं समझ आती कि कौन सा बंदा क्या ट्रेड कर रहा है। उसमें से आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि किस बंदे ने आपके साथ कुछ दो नंबरी की या क्या चीज़। ये था बेसिकली एपीआई क्रिएट करने का तरीका। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।